यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कंटिन्यूअसली कंडक्ट हो रहा है। पॉपुलेशन स्टडीज जिसका 29 नवंबर को एग्जाम शेड्यूल्ड है, बस आज से 2-3 दिन और बाकी है इसको एग्जामिनेशन को कंडक्ट होने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूरे जीजान लगा करके इसमें लगे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, मैसेज आता है कि किस तरीके का प्रिपरेशन करें, क्या और पढ़ें, क्या छोड़ें। आप हमेशा ध्यान रखें, आपने जितना चीज़ पढ़ा हुआ है बस उसी को आपको रिवाइज करना है। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आपने पीछे के जो 4-5 साल के पेपर्स हैं उन पेपर्स को आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मतलब अगर मैं ये मान के चलूँ कि 2017 से भी आपने अगर लिया होगा पेपर्स को, 2017, 18, 19 एंड 20, इन 4 साल के अंदर में एक एक साल में अगर दो दो साल का दो दो टर्म्स का भी अगर पेपर आपने लिया होगा तो आपके लगभग 8-9 सेट होते हैं और उसमें से मैक्सिमम एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपके रिपीट होकर के आएंगे। सिलेबस में 10 यूनिट होते हैं, पहले उस यूनिट को आप थॉरली देख लीजिए। उसमें एक एक पॉइंट जो होंगे, एक एक पॉइंट टाइप के जो पॉइंट लिखे होते हैं यूनिट में, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, 5 अप टू 10 में, आपको उसमें देख करके ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या उसमें से याद रखना है। अगर आपने उस सिलेबस को रिव्यू कर लिया, टोटल 11 पेजेस का सिलेबस है, उस पेजेस को अगर आपने रिव्यू कर लिया उस सिलेबस को, तो मेरा दावा है कि सिर्फ उस सिलेबस से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आउट ऑफ 100 आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं जो कि ऊपर ऊपर से होंगे। और ये संख्या जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा हो सकता है, 10 to 15 क्वेश्चन भी ये हो सकते हैं। अब रही बात कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में स्ट्रेटेजी बना करके क्वेश्चन को टैकल करना है। आप जब पीछे के पेपर्स को जब आपने सॉल्व करना शुरू किया होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कितने बार रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप से उसको घुमा करके क्वेश्चन यूजीसी पूछ रहा है और उसका आंसर किस तरह से आपको देना है। मेरा यह मानना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। रह गई बात डेटा में आपको क्या करना है, तो डेटा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। SRS अगर पूछता है तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, SRS कहाँ से पब्लिश होता है, कब स्टार्ट हुआ था, इसमें कितने इंडिकेटर होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन डेटा पॉइंट जब होगा तो उससे रिलेटेड आपको करंट वाला सिचुएशन याद रहना चाहिए। अब करंट में बात कर लेते हैं कि बहुत सारे मेरे पास जो मैसेजेस आए, बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, आज भी आया हुआ था, तो इसमें करते क्या है, तीनों को कैटेगराइज कर लीजिए। SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 जो कि करंट वाला डेटा होगा, SRS बुलेटिन 2020 का डेटा होगा, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के ऊपर जो स्पेशल बुलेटिन आता है वो 2016-18 वाला होगा। ये तीन टाइप के आपको SRS लेने हैं और यहीं से आपको डेटा को याद रखना है। अगर इंडिकेटर की बात करें, बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन चारों की अगर बात करेगा तो आपको डेटा कहाँ से याद रखना है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन 2020 से। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अगर पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में जो डेटा से रिलेटेड होगा, आपको MMR बुलेटिन 2016-18 याद रखना है, वहाँ से डेटा लेना है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, बर्थ, डेथ, नेचुरल एंड IMR, चार ये हो गए और MMR 5 हो गया। उन दोनों का जो सोर्स रिसोर्स है वो किस किस सोर्सेज से आपको मिलेंगे 2020 से एंड MMR का 2016 से 18 से। अब इसके अलावा SRS के अंडर में कोई भी इंडिकेटर आता है वो सारा आपको SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 से लेना है। जस्ट लाइक अगर बात की जाए टोटल फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, GRR या और भी जो SRS में सेक्स रेशियो भी का डेटा आता है, तो SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। SRS पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 के ही रिकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे जो टर्म्स हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है। रह गई बात आपको SRS बुलेटिन कहाँ से मिलेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी है, सेंसस के वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा, गूगल पे डायरेक्ट सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा। न्यू वाला आपको याद नहीं रखना है, अभी जो ठीक 20-25 दिन पहले 2021 का डेटा रिलीज हुआ है, SRS बुलेटिन 2021, वो नहीं देखना है आपको, उसके पहले का देखना है। क्यों देखना है, सपोज करिए एग्जामिनेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट कब आया था, अप्रैल में, एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होने वाला था, जून में, कोरोना की वजह से पोस्टपोन होते 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 ये सितंबर में होने वाला था, तो एग्जामिनेशन पेपर तो पहले से बन चुका होगा ना।
आपको माइंड में ये रखना है कि सितंबर में ये अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया होता तो जो क्वेश्चन सेट हुए होंगे वो कौन से वाले से एसआरएस से दिए हुए होंगे, 2020 से, 2021 से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट भले से ही आ जाएगा, एसआरएस क्या है, कहाँ से पब्लिश होता है, कब स्टार्ट हुआ था, पायलट सर्वे कब हुआ था, ये अलग अलग चीजें हैं। बात कर लेते हैं एनएफएचएस की। एनएफएचएस 4 और 5 इन दोनों से ही डेटा जरूर पूछे जाएंगे। मैंने जो एनएफएचएस से रिलेट करके जो भी कंटेंट वीडियो मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है, इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाने वाला नहीं है। आपसे क्या पूछेगा, एनएफएचएस कब स्टार्ट हुआ था, ये कौन सा राउंड है, कितने राउंड हो चुके हैं, स्टेट लेवल का क्या कंडीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्या डेटा का पॉइंट है, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हुए भी हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, आपको बहुत ज़्यादा थॉरली पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर्स का जो भी आपने क्वेश्चन देखा होगा उस क्वेश्चन में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। पॉपुलेशन सर्वे मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, आपने अगर नोट तैयार किया होगा तो आपको उन सारे नोट्स में मिल जाएंगे। डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, एक ही वीडियो बनाया है, एक या दो, और बहुत बार जो पिछले साल के पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट होकर के आए हैं उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, तो आपका वहां से भी काम हो गया होगा अभी तक। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, इसके मेथोडोलॉजीज, ये सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। निप्सलिटी, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, मैंने मोर्टेलिटी पे वीडियो नहीं बनाया है, इसके अलावा फर्टिलिटी, निप्सलिटी और माइग्रेशन पे भी नहीं है, लेकिन जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में ऊपर ऊपर की चीजें आपको मिल जाएंगी। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्या होता है, फर्टिलिटी एस्टिमेशन का और माइग्रेशन का एस्टिमेशन का, मोर्टेलिटी एस्टिमेशन का, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों मेथडोलॉजी सिर्फ कीवर्ड पूछा जाता है, वो कीवर्ड आपको सिलेबस में मिल जाएगा डायरेक्ट। अगर कोई नोटबुक अगर आप नहीं भी निकालते हैं, कोई सोर्स मटेरियल नहीं भी मिलता है आपको लास्ट मोमेंट में, तो आप उस सिलेबस को जरूर रिव्यू कर लीजिए। मैं 10 से 15 क्वेश्चन का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि मोर देन 20 क्वेश्चन भी हो जाए, अगर ये मान लिया जाए कि एक यूनिट से वो की पॉइंट आपको 2 क्वेश्चन दिया जाता है, तो 10 यूनिट में से आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहां से आप 20% गेन कर लेंगे और ये कहीं नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन और हेल्थ पॉलिसी, ये एक यूनिट है, उस यूनिट में एक छोटा सा पार्ट है। पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होकर के आएंगे। लास्ट प्रीवियस ईयर्स के कई सारे क्वेश्चंस आप जब देखें तो देखेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से रिपीट किए हुए आपको मिलेंगे और इस वाले एग्जामिनेशन में भी 100% आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, एमआईएस सेक्शन और सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का छोटा सा जो कंटेंट होता है, बीएससी लेवल का एक कोर्स है, उसका ही एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी सॉरी सब्जेक्टिव सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोपोसिव सैम्पलिंग क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, ये कितने टाइप कौन कौन से होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिफरेंसेस क्या है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी इस पर बेस्ड मैंने एक रिसर्च मेथोडोलॉजीज करके एक सैम्पलिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को जब एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको सारा कुछ दिख जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मैक्सिमम लगभग 90% मैंने काम सिर्फ यूजीसी नेट पर ही किया है। हाँ, उसमें कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर मैंने मिस्टेक किया है एक्सप्लेन करने में, कंटेंट को लिखने में, ये होता है, ये ह्यूमन एरर है, मैं उसके लिए सॉरी आपसे कहता हूँ। आप उस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये हर किसी से होता है, मेरे से भी हुआ है। इसको मैं जितना से ज्यादा मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। अब आते हैं, एक जीआईएस का सेक्शन है सबसे लास्ट में। जीआईएस पर मैंने 4 वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें से एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है टॉपिक पर, वो मैं नहीं बना पाया हूँ। उसका जो डेटा पॉइंट है, एक रास्टर और एक वेक्टर डेटा होता है। रास्टर और वेक्टर, ये 2 डेटा होते हैं जीआईएस के सेक्शन में। इन दोनों को ही हम डिफरेंशिएट करते हैं उस फोटोग्राफी के जो फोटो पिक्सल होता है उसके केस में। मैं बात करूं कि जो जब हम फोटो लेते हैं तो उसमें छोटे 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 पिक्सल्स बन करके वो एक हमें बड़ा दिखाई देता है पोर्शन। तो जो पिक्सल में जो डेटा हमें दिखाई देंगे
वो कहलाता है रास्टर डेटा। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट टू पॉइंट जो डेटा होंगे वो कहलाएंगे वेक्टर डेटा, और इसी वेक्टर डेटा को डिसकंटिन्यूअस डेटा या डिस्क्रीट डेटा कहा जाता है, और जो पिक्सल डेटा होता है वो होता है कंटिन्यूअस डेटा। आप इतना ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन दिया जाए तो ये यही दो वर्ड दे करके, दो कीवर्ड दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रास्टर डेटा का मतलब क्या है और वेक्टर डेटा का मतलब क्या है। आप छोटा सा गूगल भी कर सकते हैं। मैं एग्जामिनेशन तो अभी ये 2 दिन में हो जाएगा, इसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इस पर भी वीडियो को कंटेंट बना करके मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। ये छोटी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कुछ चीजें तो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे पॉपुलेशन थ्योरीज एंड उनके ऑथर, या पॉपुलेशन के जो बुक्स हैं पॉपुलेशन के ऊपर और उनके ऑथर, तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, ये आपको याद रहना चाहिए। कुछ और भी चीजें हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो मैंने बता ही दिया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सस्टेनेबल को कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। उसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 गोल हैं, उनके टोटल गोल आपके याद होने चाहिए, एक नंबर पे कौन है, दो नंबर पे कौन है, तीन पे कौन है और अप टू 17 पर कौन है। कुछ गोल मिलेनियम और सस्टेनेबल इन दोनों से कोरिलेट होते हैं, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहां से जरूर क्वेश्चन बनेगा। एक और टॉपिक आता है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो ये भी क्वेश्चन एक है, यहां से भी बनेगा। ये जो PQLI है, इनको इनके फाउंडर कौन थे, HDI के फाउंडर कौन थे, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और डेटा पॉइंट भी जो अगर पूछेगा तो यहां से आपको डेटा पॉइंट याद होने चाहिए। अब आते हैं सेंसस पर। तो सेंसस इज द बैकबोन ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। अगर सेंसस की बात करें तो सेंसस 2011 और उसके हिस्टोरिकल जो डेटा पॉइंट रहे हैं, जो टोटली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वहां से पॉपुलेशन स्टडीज का कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर का जब आप निकालेंगे तो मैक्सिमम बार आप देखेंगे कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, या यूं कहें 30 से 40% तक जो भी रेंज होंगे, इसी सेंसस और उसके बैकग्राउंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर स्ट्रेटजी बना लेंगे इन 2 दिनों के बीच में, तो मैं ये बता दूं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, सिर्फ आपको डेटा पॉइंट याद रखने हैं। डेटा पॉइंट में कौन कौन से डेटा पॉइंट हैं, पीछे जितने भी थे वो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बता दिया। सेंसस में 30 से 40% क्वेश्चन जरूर रहेंगे, तो आपको सेंसस का भी एक पैटर्न पूरा ध्यान में रहना चाहिए। तो अगर आप इस पूरे सिनारियों को लेकर के अगर आप एनालिसिस करेंगे और एक ये अपना एक वे फॉरवर्ड बना लेंगे, वे बना लेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है और कौन सी चीजें छोड़ देनी है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपका मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 80% से प्लस नंबर आएगा। और ये लास्ट टाइम हुआ भी है और इस बार भी होगा, आप में से कई सारे लोग JRF क्लियर करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, 2 दिन 3 दिन बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, कूल माइंड से एग्जामिनेशन में बैठिए और अच्छे से परफॉर्म करिए, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद में आप एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल कूल माइंड से बैठिए और एग्जाम को क्वालिफाई करके दिखाइए। इस सेशन में जितना मैं कर सकता था, जितना मेरे से हो सकता था, मैंने अपने इसी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके मैंने बहुत सारे कंटेंट मटेरियल प्रिपेयर किए हुए हैं और आप लोगों को ये फायदा पहुंचने वाला है, और आगे भी मेरी ये कोशिश जारी रहेगी जिससे कि मैं आपके प्रिपरेशन में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट दे पाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।